इस वाक्य के हवाले जरा तफसील बताइएगा प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे कि आसमान से कोई चीज गिरी है, लेकिन अब जाकर पता चला है कि किसी और चीज का धमाका था। थोड़ा बताइए भाई, ये री रोलिंग मिल है, ये प्लेट को जो ना गर्म करके जो ना इसमें सरिया बनता है, और इस पे ही एक फ्लाईव्हील है ये जो पूरी मिल को घुमाता है, और फ्लाईव्हील बना हुआ होता है कास्ट का बना हुआ होता है, बिजली का बना हुआ होता है, और इसका वेट तकरीबन 10 से 12 टन वजन होता है इसका। लेकिन ये इत्तेफाकी हादसा है, और पहली मरतबा मेरी 7 साल लाइफ में मैंने पहली मरतबा ऐसा देखा कि कोई भी व्हील इस तरह से जो ना टूट गया। 7 साल है, 60 साल है, 60 ईयर्स मेरी एज है, तो इसमें मेरा पहला ही ये वाकई है कि मैंने कोई फ्लाईव्हील टूटते हुए देखा। ये अल्लाह की तरफ से था, ये क्या था ये अल्लाह बेहतर जानता है। कि ये तो कई किलोमीटर दूर तक इसके एक टुकड़े का वजन बता रहे 500 किलो से भी ज्यादा है, 500 किलो से भी ज्यादा ही वजन होगा इसका। ये दूर जाने की वजह ये कि 600 RPM मोटर इसको घुमा रही होती है, 600 RPM होते हैं इसके, जाहिर है 600 RPM एक मिनट में 600 चक्कर ये घुमा रहा है, उसकी रफ्तार समझ लें कि आप क्या हो। तफ्तीश अब आपकी यहाँ पर यकीनन एंड हो गई है, अब आप बताएं आपने यहाँ से शवाहिद वगैरह जमा कर ली। जैसे हमें इत्तला मिली तो ये 2-3 इलाके में हमारे पाक कॉलोनी के अंदर ये वाकयात हुए थे, मेवाचा कब्रिस्तान में, ये यहाँ साइट एरिया के इलाके फैक्ट्री में भी एक जगह ये पत्थर गिरा है, और आगे शेरशाह में भी एक घर के अंदर 3 मंजिला RCC की छत को फाड़ के ज़मीन पर आके गिरा है। काफ़ी लोगों ने उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की है, तो भी वो हिल नहीं रहा था, तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँच गए। अब ये है कि जो एक अफवाह थी तो ये वो दम तोड़ गई, हकीकत का पता चल गया, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह अमल में लाई जाएगी। ठीक, अच्छा ये एक सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, अंदाजन ये कितना रकबा होगा जितने दूर ये जाकर गिरे, कितने किलोमीटर होगा? जितना मैं विजिट करके आया तो मेरे हिसाब से कम अज कम 5 किलोमीटर का एरिया। 5 किलोमीटर, थैंक यू।